इतने साल के सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। हे घोड़ा, कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा, हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी है बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम आईपीएस। जानता हूँ, मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? हाँ। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई। पायलट छे। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाईडी है मनीषा। अभी जो तन तनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेश। ओ, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। हा? इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे, बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चिली, बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा? हाँ। शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी, कितनी बार कहा ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ, सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो। जाओ। मेहमान को कॉफी तो पिया गया है इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये। बड़ा ही खूंखार। इंटरोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बैल छुरी काटा चम्मच तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खाके अपनी माँ के जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा, बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं।
मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल, उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। फिगर है। का है का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। ए, ए, जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम एम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ, इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है यार, मैं अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स, वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पियेंगे तो। आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बताओ वो दिखने में कैसी है? धासू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओ, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या कह रहे हैं सर, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो, और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ, सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। पालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे, और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी, और 5 साल के बाद उसके जैसी। जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं।
तो इतना परेशान क्यों होता है? सीरियल की हीरोइन नखरे दिखा रही है तो नई लड़की ले, उसका गेटअप चेंज करके 30 एपिसोड खींच। यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए। शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। तो फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे, गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा। तुम्हारे कितने थे? 10। मेरे 50 हैं। चिल्लाने से पैसे मिल जाएंगे क्या? अरे देखते क्या हो, देखते क्या हो, ये लो और मारो। सिर्फ 10 नहीं है, 1,500 करोड़ ले गए। तू ले जाने से रोका क्यों नहीं किया आपसे? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या, अंधा हो गया क्या? ये क्या है? खद्दर है। और वो क्या है? खाकी। ये सवाल इससे पूछो। आगे आओ, आगे आओ। अगली बार ये वर्दी फाड़ देंगे। We are trying our best, sir. अब ये बात इन्हें हिंदी में जाके समझा। डकैती होने वाली रात को बिट्टू गैंग के 2 क्रिमिनल्स ने सिग्नल को तोड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ने उनका फोटो लिया था। बिट्टू की फोटो भी हमारे ढेर सारे पुलिस स्टेशन में मौजूद है। इस पर हमारी एक प्रेस रिलीज भी है। Our intention is very clear. We are going to catch the criminals. यहाँ छुपकर बैठने की बजाय तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था। मैं बाहर आता तो तुम्हें अंदर छिपना पड़ता। मूर्ति, इन सबको बाहर भेजो। जितना जल्दी हो सके इनका नकली पासपोर्ट बनवा दो। इन सबका नकली पासपोर्ट बनाना आसान नहीं है सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इनका अपना फोटो, गलत नाम, गलत पता, पहले ये सब तो यहाँ भिजवाइए। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो, कौन जाएगा वहाँ बताओ।